गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ एट योर होम। वेलकम इन एलसेट टेलीकास्टिंग। माई सेल्फ सुनील कुमार, लेक्चर आईटीआईटीज एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। आज हम लेवल वन की यूनिट थ्री लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लिब्रे ऑफिस इज ए पावरफुल ओपन सोर्स फुली फीचर्स एंड फ्री ऑफिस सूट है। लिब्रे ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लाइक राइटर जैसे एमएस वर्ड है, ऐसे ही राइटर है। कैल्स स्प्रेड शीट, जैसे एमएस ऑफिस के अंदर स्प्रेड शीट है, ऐसे ही कैल्स के नाम से इसके अंदर एक्सेल है। इम्प्रेस एज ए प्रेजेंटेशन के लिए, ड्रा वेक्टर ग्राफिक एंड फ्लो चार्ट के लिए, बेस डाटाबेस के लिए, एंड मैथ फॉर्मूले एडिटिंग के लिए। अगर हम मैथ का वर्क करते हैं उसके लिए हम मैथ का यूज करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हाउ टू डाउनलोड लिब्रेऑफिस राइटर। लिब्रेऑफिस राइटर को हम डाउनलोड कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गूगल्स के अंदर सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ डाउनलोड लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, ये स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। अब हम यहां से करेंगे सिलेक्ट चूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, विंडो है, लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है, वो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अगर हम इससे पहले वर्जन हमें चाहिए तो इससे पहले वर्जन आपको यहां से मिल जाएंगे। आप लास्ट में ही यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये ओल्ड वर्जन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर को हम ओपन कैसे करें, इसके लिए स्टार्ट पे जाएंगे। उसके बाद ओल्ड प्रोग्राम के अंदर ये है लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में है लिब्रे ऑफिस राइटर, यहां हम क्लिक कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। या फिर हम यहां से राइटर टाइप करेंगे सर्च मेनू बार में और हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये हमारी लेटेस्ट जो हमने ओपन कर रखे हैं वो फाइल डिस्प्ले हो जाएंगे। एक डेस्कटॉप पे एक की होती शॉर्टकट, इसका आइकन होगा यहाँ, देखो लिब्रे ऑफिस 6.2, इस पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर हम यहाँ से है ना ओपन करने के बाद अंदर से हमने ओपन कर रखा है स्प्रेडशीट, तो हम यहीं जाके न्यू पे जाके और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम राइटर को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। एक क्रिएट डॉक्यूमेंट कैसे करें, न्यू जो क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट वो कैसे करेंगे, वही स्टेप है। फाइल मेनू न्यू पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम इसको कर सकते हैं। सेव, फाइल को सेव कैसे करेंगे, जैसे हमने यहां पर ओपन कर लिया कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और हमने यहां पर टाइप कर दिया अब इसको हम सेव करेंगे,
फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल एस से जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है उस पे क्लिक करके हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ फाइल नेम यहाँ डाल देंगे, जैसे सैंपल के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। इसका जो बाय डिफॉल्ट जो हमारी फाइल सेव होगी वो ODT के अंदर होगी, ODT के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि इसको जो फाइल है हमने क्रिएट की है ये जब नेक्स्ट टाइम ओपन हो तो उसे पासवर्ड आए कि सिक्योरिटी फीचर्स के लिए इसमें बेस्ट ऑप्शन है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड सेव विद पासवर्ड और सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सेव पे क्लिक किया फाइल इसमें एंटर पासवर्ड टू ओपन के लिए पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ये इजी है, लेकिन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कंफर्म पासवर्ड जो ऊपर है सेम लास्ट में यहां डालना है और ओके पे क्लिक करना है। फाइल हमारी सेव हो गई। अब हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम इसको रीओपन करेंगे। रिसेंटली पे जाके हम यहां से भी कर सकते हैं या ओपन पे जाके वहां से भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया तो क्या कह रहा है ये, एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल 1 2 3 4 5 6। जैसे हमने इस पे पासवर्ड डाला, ओके पे क्लिक किया, हमारी फाइल वेरीफाई करने के बाद ओपन हो जाएगी। हम यहां से फाइल को क्लोज कर सकते हैं। सेव एज क्या होता है, सेव एज उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए, जैसे रिज्यूम टाइप करते हैं या कोई पहले कोई टेम्पलेट है, टेम्पलेट जो हम यूज करेंगे आगे, टेम्पलेट होता है प्री डिफाइंड फॉर्मेट, उसके अंदर से रिज्यूम है, रिज्यूम का फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है कि जैसे नेम उसके राइट साइड में नेम आएगा, फादर्स नेम फिर राइट साइड में फादर्स नेम, तो अगर फॉर्मेट में लेफ्ट साइड का जो फॉर्मेट है वो रेडी मिलेगा, सिर्फ राइट साइड में हमें टाइप करना है। ऐसे हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो। राइटर विंडो के पार्ट्स कौन कौन से हैं ये देखो, सबसे ऊपर क्या है टाइटल बार, ये सबसे टॉप में होता है, और ये जो टॉपिक जो हमें फाइल जिस नाम से हमें सेव कर रखी है उसको डिस्प्ले करता है, और लास्ट में क्या है प्रोग्राम का नाम, जैसे राइटर है लिब्रे ऑफिस राइटर है, अगर कैल्स होगा तो कैल्स लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आ गया मेनू बार, ये फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल टेबल फॉर्म टूल्स और विंडो क्या है ये मेनू बार है। इसके बाद टूल बार्स ये क्या है, ये सब टूल बार है, ये शॉर्टकट की टाइप में है, मतलब आपको सब कुछ डिस्प्ले होगा, जैसे यहाँ पे सेव के लिए ये आइकन दे रखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो ये क्या है स्टैंडर्ड टूल बार है, और ये क्या है फॉर्मेटिंग टूल बार है, नीचे क्या है स्टेटस बार, क्या है ये स्टेटस बार, इसमें शो करता है स्टेटस, जैसे इसमें शो कर रखा है पेज, इसमें टोटल दो पेज हैं और हम पेज नंबर एक पे हैं, और ये सिलेक्टेड 5 वर्ड एंड 25 करेक्टर, ऐसे ही डिफॉल्ट स्टाइल है ये, और इंग्लिश इंडिया।
ये हमारा स्टेटस बार है, ये स्क्रोल बार है, ये देखो ये हमारा स्क्रोल बार है, यहां से हम स्क्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा पेज साइज जो हमने जूम कर रखा है, यहां से ये जूम जूम है, यहां से कर रखा है, तो नीचे भी हमारा स्क्रोल बार आ जाएगा। हम इस वहां से लेफ्ट राइट करके हम इसको चेक कर सकते हैं, यहां से हम इसका साइज छोटा कर देंगे। अगर हमने जूम कर रखा है, जूम के जूम ओनली डिस्प्ले के लिए होता है, जो हमारा जो पेज है उसको सिर्फ जूम करता है, न कि इसके टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम जूम करके इसको प्रिंट आउट निकालते हैं तो हमारा पेज वही नॉर्मल आएगा, हमारा पेज एक्चुअल जो साइज है उससे बड़ा नहीं आएगा। ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए है, न कि इसके जो इसकी फॉर्मेटिंग इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद कर्सर मूवमेंट, कर्सर मूवमेंट जैसे हम कर्सर जो यहां है उसको मूवमेंट चेक करते हैं, जैसे हम यहां पे है, यहां पे हमें लेफ्ट जाना है तो हम जो एरो की है उनसे लेफ्ट साइड जा सकते हैं, राइट जाना है तो हम वहां से राइट जा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये मूवमेंट कर रहा है। अगर हम इसमें अप करते हैं तो इसमें अप, जैसे यहां पर अप हो रहा है, देखो एक एक लाइन अप हो रही है। डाउन करते हैं तो एक एक लाइन डाउन आ रहा है। होम और एंड, होम क्या होता है, जैसे हमने अब होम पे क्लिक किया तो लाइन के तो स्टार्टिंग में ये आ गया। अगर हमने एंड पे क्लिक किया तो लाइन के लास्ट में चला गया। इसके बाद अगर यहां देखो इस पे हमें अगर 5 टाइम स्पेस बार प्रेस कर रखा है और हम होम पे जाएंगे तो माउस जो एम है वहां चला जाएगा, और एंड पे जाएंगे तो जहां तक हमने स्पेस बार दबाया था वहां लास्ट पॉइंट तक ये मूव करेगा। ये इसका लास्ट पॉइंट है। होम मीन जैसे घर होता है, हम स्टार्टिंग हमारी क्या है, हम कहां से चले थे, घर से, और एंड क्या है, हमारा स्कूल है, हम वहां पे आए स्टडी की और वापिस होम। उसके बाद अगर हम कंट्रोल के साथ होम दबाते हैं, कंट्रोल प्लस होम, तो जो पेज है उसके स्टार्टिंग में हम पहुंच जाएंगे। अगर हम कंट्रोल के साथ एंड दबाते हैं तो पेज के लास्ट में, अगर दो पेज हैं तो उसके दो सेकंड पेज के लास्ट जो वर्ड है उसके लास्ट में पहुंच जाएंगे। अगर इसमें 5 पेज है तो 5 पेज के लास्ट में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल होम दबा के हम स्टार्टिंग में आते हैं। इसके बाद माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर देखो यहां पे जो पेज है, अगर हम पेज पे अगर हम माउस लेके आते हैं तो आई का जो सिंबल है वो आता है, आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये देखो आई का सिंबल आ रहा है। अगर पेज से हम बाहर जाते हैं तो हम यहाँ पे एरो का सिंबल बन रहा है, ठीक है, एरो का सिंबल से हम इस साइड से ऐसे हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पेज पे आते ही क्या होगा, आई का सिंबल बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अंडू और रीडू, एडिटिंग डॉक्यूमेंट, एडिटिंग डॉक्यूमेंट को हम एडिट करेंगे। अंडू और रीडू, अंडू क्या होता है, अन नहीं, टू नहीं करना, ठीक है। जैसे हमने यहां पे लिखा दिस, हमें फील हुआ ये तो गलत है, दिस नहीं आना था, हमने क्या किया, एडिट पे गए, अंडू कर दिया। अंडू करते ही एक स्टेप पीछे चल जाएंगे, हम अंडू किया, अंडू रिमूव गया। रीडू, हमें अंडू करने के बाद फील हुआ कि ये हमारा सही था,
हम क्या करेंगे, इसको रीडू कर देंगे। कंट्रोल प्लस वाई से कर सकते हैं या फिर और अंडू कंट्रोल जेड से, कंट्रोल जेड से अंडू और कंट्रोल वाई से रीडू। आगे मूविंग एंड कॉपी टेक्स्ट। मूविंग क्या होता है, मूव मतलब जो वर्ड हमने टाइप कर रखा है वहां से उसको कट करके और नेक्स्ट प्लेस पे उसको पेस्ट करना। जैसे दिस है, जैसे दिस पे हमने क्या सिलेक्ट, ये ओनली जो ये सारे काम है ये तब होंगे जब सेंटेंस सिलेक्ट होगा या कोई वर्ड सिलेक्ट होगा। जैसे हम कुछ मूवमेंट करते हैं, जैसे हम करेंगे इसको, जैसे कोई जैसे एक बुक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट कि हम किसको उठाएंगे और कहाँ मूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, अगर बुक भी रखी है, मोबाइल फोन भी रखा है, तो पेंसिल भी रखी है, तो हम सिलेक्ट करेंगे हमें किसको मूव करना है। सेम, बिल्कुल सेम थिंकिंग इसमें कंप्यूटर में है। इसमें भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले हमें क्या करना, किस पे जो एक्टिविटी हम करेंगे वो किसके ऊपर जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। हमने किया सिलेक्ट, दिस किया, करने के बाद अब हमने कट कर दिया, कट कट हो गया। अब हमें पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं, वहां से भी एडिट में जाके भी हम कर सकते हैं। अब आप सोचोगे भाई यही हो गया, लेकिन इसके हम मूव मूव करना है तो हमें इसके कट करके और हमें यहां पेस्ट करना है, तो यहां करके कंट्रोल वी दबा देंगे तो यहां पर पेस्ट हो गया। अब सेकंड है कॉपी टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट में क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो बोथ पैलेस पे रहेगा। जैसे हमने इसकी कॉपी की, जो ये लाइन है इसकी हमने कॉपी की, कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर ली और हमने इसके नीचे कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ये यहां भी है और वहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, दोनों स्थान पे ये लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिंग टेक्स्ट। सिलेक्टिंग टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये देखो अगर हम कंट्रोल ए करेंगे तो कंप्लीट जो पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसमें चाहे कोई पिक्चर हो या कोई टेक्स्ट वर्ड आर्ट हो, कुछ भी हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, इसके अंदर वो सिलेक्ट हो जाएगा सभी एक साथ। अगर हमें एक, हमने एक बार क्लिक किया, जैसे यहां पे हमने एक बार क्लिक किया तो हमें, हम पहुंच जाएंगे पोजिशन पे जो हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमें हमारे, हमें मिल गई पोजिशन कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, लिब्रे ऑफिस करना है। अगर हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जाके डबल क्लिक करते हैं तो जो पूरा जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस पे ट्रिपल टाइम क्लिक करते हैं तो पूरा सेंटेंस है, देखो यहां तक, यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट हो गया। अगर हम फोर टाइम करते हैं, 1 2 3 4, तो कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन हमारे साथ, हमें रिक्वायरमेंट हो कि जैसे ऐसे ये ना, ये वर्ड करना है, उसके बाद ये वर्ड करना है, उसके बाद ये वर्ड करना है, हमें सेलेक्ट करना है, मतलब उसमें से जो कुछ वर्ड है वो सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें जैसे जो सेंटेंस है पहला उस पे उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करेंगे। जैसे हमने शिफ्ट प्लस F8 जो प्रेस किया तब जो
राइटर का जो एडिटिंग सिलेक्शन मोड है वो ओपन हो जाएगा और अब कंट्रोल को जो कंट्रोल की है उसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और माउस की सहायता से हम उसको सेलेक्ट करते जाएंगे। माउस की सहायता से सेलेक्ट करते जाएंगे लेकिन कंट्रोल को प्रेस ही रखेंगे। अगर कंट्रोल को उठा दिया तो हमारा ये काम नहीं करेगा, कंट्रोल को प्रेस ही करेंगे, जो हमें करना सेलेक्ट हम कर सकते हैं। हम यहां से मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी से, पेस्ट करना है तो हमें नीचे कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। वो सारे जो सेंटेंस थे वो हो गए, पेस्ट हो गए। उसके बाद है सिलेक्टिंग वर्टिकली ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। एक ब्लॉक्स एक ये काम करता है मोस्टली टेबल के ऊपर, ये ब्लॉक्स है ये काम करते हैं टेबल के ऊपर। ये हमने टेबल पहले ही क्रिएट कर रखी है, ये देखो अगर हमने ऐसे देखो, ये देखो ये ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स है। अगर हमने इसकी कंट्रोल सी कॉपी कर लिया हमने और हमने यहां नीचे कंट्रोल वी कर दिया तो ये ऐसे ही ये ब्लॉक्स टाइप में ही पेस्ट हो गया। अगर हमने एडिट में जाके सिलेक्टिंग मोड में ये ऐसे कर दिया और हम ऐसे हम करेंगे सिलेक्ट कंट्रोल सी से, और हम अगर बाहर जाएंगे इसके यहां पे पेस्ट करते हैं तो हमारा जो है ये लाइनिंग जो टेबल है वो रिम हो जाएगी और सिंपल जो टेक्स्ट है वैसे पेस्ट हो जाएगा। यानी ब्लॉक्स में करने हैं टेबल्स में करने हैं तो हम स्टैंडर्ड मोड यूज करेंगे और ब्लॉक्स में करने हैं तो हम ऐसे हम कर सकते हैं, उसको उठा के बाहर हम पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड क्या होता है, कोई वर्ड ढूंढना, कोई वर्ड ढूंढना एक डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना क्या कहलाता है फाइंड। और सर्च, सर्च होता है जैसे किसी फोल्डर या फाइल या ड्राइव के अंदर या माई कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल को ढूंढना, यानी फाइल ढूंढनी है तो हम सर्च पे क्लिक करेंगे और हमें अगर एक प्रोग्राम ओपन कर रखा है और वहां हमें कुछ कोई वर्ड फाइंड करने हैं तो हम फाइंड का यूज करेंगे। जैसे हमें यहां पे हम जैसे फाइंड कंट्रोल एफ दबा के हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने अशोक टाइप किया एंटर किया तो हमने ये अशोक फाइंड हो गया, ये अशोक फाइंड हो गया और ये भी अशोक फाइंड हो गया। हमने अगर मैच केस कर दिया ठीक है, और ऊपर चेक करेंगे हम मींस अशोक पे जाके हमने एंटर किया तो एक ही अशोक मिलेगा, उसके बाद सेकंड ये मिलेगा और थर्ड अशोक इसको नहीं मिलेगा, सिर्फ दो ही अशोक मिलेंगे ठीक है। इन तीसरा कैपिटल लेटर के अंदर है इसलिए इसको फाइंड नहीं होगा। अब आगे है जंप टू द पेज नंबर। पेज नंबर पे हमें जंप मारना है तो क्या करेंगे, उसके लिए एडिट में जाएंगे, गो टू पेज नंबर, कहां जाएंगे गो टू पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पेज नंबर जैसे वन है हमें टू डालना है तो टू पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो सेकंड पेज पे पहुंच जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, ऐसे करेक्टर जो प्रिंटिंग नहीं होते। जैसे हमने स्पेस बार है, स्पेस लिया स्पेस बार दबाया वो डिस्प्ले नहीं होता लेकिन करेक्टर तो है।
ऐसे ही हमने टैब दबाई, टैब टैब, जैसे यहां पर हम चेक करेंगे, जैसे एंटर, जैसे यहां हमने यहां जाके, यहां पे जाके हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद हमने टैब, ठीक है, यहां हमने टैब दबाई, उसके बाद टैब दबाने के बाद हमें कोमा, जैसे कोमा दबाए, इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब ये डिस्प्ले करता है, देखो ये यहां से डिस्प्ले होता है, इसमें टोंगल फॉर्मेटिंग मास्क द्वारा, यहां पे क्लिक करेंगे तो देखो ये शो कर दिया इसमें, ये दिख रहे हैं ये डॉट, ये है स्पेस के, और ये बाकी है ये ना, ये आइकन है, ये है एंटर का, और ये जो ये है एरो है ये टैब की है, ये एंटर की, और ये कोमा जो है बाय डिफॉल्ट है। ऐसे क्या है, ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर। उसके अब हम इस वीडियो के एमसी क्वेश्चन करते हैं। एमसी क्वेश्चन में के अंदर क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ऑफिस सूट, इनमें से कौन सा ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है। हमने अभी क्या था, राइटर है, बेस है, इम्प्रेस है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है, ये एक ब्राउजर है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, इसका आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन लेट 1970s वाज, इस 1970 के अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है यूज, वो है वर्ड स्टार, क्या आएगा वर्ड स्टार। विच ऑफ विच व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए कमांड क्या है शॉर्टकट, इसी कमांड है कंट्रोल प्लस सी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए फाइल, एक फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन ए फाइल, क्या ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस ए। टू रिप्लेस द वर्ड बॉम्बे विद मुंबई वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू, किसमें जाएंगे, एडिट मेनू के अंदर, किसमें जाएंगे, एडिट मेनू के अंदर। टू क्लोज एन ओपन डॉक्यूमेंट वी शुड टू गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेनूज, फाइल मेनू में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द राइटर, क्या है, डॉट ओ डी टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सेलेक्ट ए सेंटेंस इन राइटर, हम कैसे करेंगे, सिंगल क्लिक से क्या होता है, जहां हमें सेलेक्ट करना है वहां जाएंगे, और डबल क्लिक से वर्ड होता है सिलेक्ट, और ट्रिपल क्लिक से क्या होता है, एक सेंटेंस होता है सिलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की टू रीडू एनी ऑपरेशन, रीडू के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस वाई। ओके बच्चों, इसके बाद आपको ये आपका होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, हाउ टू ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर, राइटर को ओपन कैसे करेंगे, हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करेंगे, और पार्ट्स ऑफ विंडो राइटर, कर्सर मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, माउस पॉइंटर कितने आते हैं इसमें, टेक्स्ट पे क्या आता है, और आगे जो जो पेज के साइड में आता है वो क्या आता है, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट,
moving and copy, how to copy paste command, different type of selecting text, how to selecting vertically blocks, how to jump direct to the page number. Thank you, बच्चों.